हेलो स्टूडेंट्स वेलकम ऑन माय चैनल डेली एमसीक्यू का ये क्लास है हमने एक सीरीज स्टार्ट जिसमे हम टेन एम सी क्यू डेली बेसिस कर रहे हैं टॉपिक वाइज और अभी जो है जनरल साइंस में केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एम सी का दम तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इन रेड इन सोल्यूशन ऑफ ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है वो किस सोल्यूशन में ऐसा होता है तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए एसिड एसिड जो सोल्यूशन है उसमें ब्लू लिटमस पेपर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है रेड में कन्वर्ट हो जाता है इस पिक्चर में देखिए ये ब्लू लिटमस पेपर है इसको एसिड में जो है डुबाया गया है तो ये रेड में कन्वर्ट हो गया है एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं अम्ल कहते हैं ठीक क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हम रेड लिटमस पेपर इज चेंज इन टू ब्लू इन सोल्यूशन ऑफ अभी उल्टा है अभी रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो ये किस सोल्यूशन में ऐसा होगा तो ऑप्शन है आपके सामने बेस एसिड सॉल्ट और नन ऑफ दिस तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए बेस बेस के सोल्यूशन में जो है वो रेड लिटमस पेपर क्या होगा ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा और बेस का हिंदी क्या होता है छार होता है एसिड का, होता था, का होता है. देखते हैं. जो, जो पुलिस के द्वारा यूज किया जाता है कि कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए तो वो किस केमिकल बेसिस पे काम करता है तो ऑप्शन है आपके सामने रेडॉक्स रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन परसिपिटेशन रिएक्शन और कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी एसिड बेस रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन पे जो है ये एनालाइजर काम करता है क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं हम एसिड रिएक्ट विद विदिस टू गिव एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या देता है तो ऑप्शन है आपके सामने इस्टर अल्कोहल सॉल्ट और नन तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी सॉल्ट एसिड जो है मतलब अम्ल जो है जब छार के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है लवण देता है सॉल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं लवण एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं एच मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH इसका मतलब क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है ये बेस है जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं एनएचसीएल मतलब सोडियम क्लोराइड और ये क्या है एक तरह का सॉल्ट है और क्या देते हैं कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स एस तो जब एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है सॉल्ट और वाटर क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं हम द एलिमेंट्स कॉमन टू ऑल एसिड इज कौन सा ऐसा तत्व है जो सारे एसिड में जो है वो कॉमन है तो ऑप्शन है आपके सामने हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है ऐसा तत्व है जो जितने भी एसिड है मतलब जितने भी अम्ल हैं उसमें कॉमन होता है जैसे आप देख लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एसओ फोर हाइड्रोजन है इसमें नाइट्रिक एसिड एच एन ओ थ्री इसमें भी हाइड्रोजन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल इसमें भी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जो है वो कॉमन एलिमेंट है सारे एसिड में क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं हम आयोडाइज सॉल्ट कंटेन आयोडाइज जो सॉल्ट होता है वो क्या कंटेन करता है तो ऑप्शन है आपके सामने फ्री आयोडीन कैल्शियम आयोडाइड मैग्नेशियम आयोडाइड और पोटासियम आयोडाइड तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी पोटासियम आयोडाइड जो आयोडाइज सॉल्ट है वो पोटासियम आयोडाइड कंटेन करता है और पोटासियम आयोडाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है के आई क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हम द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज जो नेचर में सबसे प्योर फॉर्म ऑफ वाटर क्या है तो ऑप्शन है आपके सामने रेन वाटर लेक वाटर रिवर वाटर और सी वाटर तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए रेन वाटर रेन वाटर जो है वर्षा का जो पानी है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है नेचर में इसका कारण क्या है कि जब भी वाटर क्या होता है वो पोरेट करता है मतलब जब वो पोरेट करके ऊपर जाके क्लाउड बनाता है तो जितने भी इंप्रिटीज होती है या सॉल्ट होता है नदी में या सीज में उसको क्या करते हैं ये नीचे ही छोड़ देते हैं और प्योर फॉर्म ऑफ वाटर जो है वो जाके क्लाउड बनता है इसलिए जो है प्योर फॉर्म ऑफ वाटर कौन सा है रेन वाटर जो होता है प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं हम कर्ड इज सावर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कर्ड जो है दही जो है वो खट्टा होता है वो किसके प्रेजेंस से ये होता है तो ऑप्शन आप है आपके सामने साइट्रिक एसिड लैटिक एसिड एसिटिक एसिड और नन तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी लैटिक एसिड लैटिक एसिड की वजह से जो है दही क्या होता है खट्टा होता है मिल्क में भी जो है कौन सा एसिड पाया जाता है तो ये लैटिक एसिड ही पाया जाता है क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं हम द बेस विच इज सॉलिबल इन वाटर इज कॉल्ड ऐसे बेस मतलब ऐसे छार जो वाटर में सोल्यूबल है उसे हम क्या कहते हैं तो ऑप्शन है आपके सामने एसिड अल्कली सॉल्ट और नन तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी अलकली ऐसे बेस जो वाटर में सोलबल है उसे हम क्या कहते हैं अलकली कहते हैं क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है मोनोबेसिक है डाइबेसिक है ट्राइबेसिक है या टेट्राबेसिक है तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी डाइबेसिक है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डाइबेसिक है डाइबेसिक का मतलब क्या होता है टू जो है एसिडिक हाइड्रोजन एटम इसमें रहते हैं तो उसे ही डाइबेसिक कहा जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है एस टू एसओ फोर होता है ठीक तो इसमें क्या है देखिए दो हाइड्रोजन एटम है इसमें दो एसिडिक हाइड्रोजन एटम तो इसलिए ये डाइबेसिक है और भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप तो एस टू ये कार्बोनिक एसिड होता है तो इसमें भी क्या है दो हाइड्रोजन एटम है तो ये भी क्या है डाइबेसिक है कार्बोनिक एसिड अब जैसे देखिए HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इसको हम क्या कहेंगे डाइबेसिक कहेंगे क्या नहीं कहेंगे क्यों क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन एटम है तो इसको क्या कहेंगे मोनोबेसिक कहेंगे तो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दस नए क्यू के साथ और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू